शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। दीदू, आरती दीदी के फोन पे बातें खत्म ही नहीं हो रही। मैं कैसे सो? मैं यही जीजू के पास सो रहा हूँ, वरना सुबह उठने में देरी हुई तो फिर आप ही डांटोगे। गुड नाइट दीदू। ये आरती इतनी रात को किससे बातें कर रही है? मम्मी, आज आपको शाम के लिए इतना सारा इंतजाम नहीं करना चाहिए था। देखिए, अभी भी ठीक नहीं हुई है आप, आपका ट्रीटमेंट चल रहा है। अरे बेटा, कोई बात नहीं, इसी बहाने सब मिल बैठकर खा लेते हैं। लेकिन मम्मी, थोड़ा ठीक तो हो जाती आप पहले। मैं पहले से बहुत बेहतर हूँ, ठीक हूँ एकदम, कुछ नहीं हुआ मुझे। छोड़िए उसे, छोड़िए रोटी, छोड़िए। मम्मी, आज मेरा ऑफिस जाना बहुत जरूरी है, बहुत काम भी है मेरा ऑफिस में। लेकिन जितना मुझसे हो सकता है, निकलने से पहले मैं वो सब कुछ करके जाऊंगी। और आते वक्त खाने में कुछ और अगर चाहिए होगा तो वो बाहर से मंगवा लेंगे हम लोग। क्या बात कर रही हो श्रद्धा, बाहर का खाना? अरे मेरी दोनों बेटियों के ससुराल वाले पहली बार आ रहे हैं और मैं उनको बाहर का खाना खिलाऊंगी? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कैसे समझाऊं मैं आपको, मुझे समझ में ही नहीं आता है। यशवी जी, आपने कैसा इंतजाम किया है? तनुजा जी, क्या क्या बात हो गई? लगता है ना आप अनुज जी को बुखार दे के ही रहेंगी। अरे नहाने का पानी इतना ठंडा, जैसे गीजर ने हाथ खड़े कर दिए हो। क्या है ना कि हम मजाक में ना कुछ भी बोल देते हैं। वो गीजर की तार बिगड़ गई होगी, हम अभी ठीक करवाते हैं। हाँ यशवी जी, कुछ दिनों के लिए ना आप गर्म पानी का इंतजाम कर देना। जी ठीक है, ठीक। आप कमरे में आराम कीजिए, मैं पानी भिजवाती हूँ। ठीक है, आप कर दीजिएगा। हाँ ठीक है। ओ, अरे मम्मी आराम से, आप रुकिए, मैं पानी लेकर आती हूँ गर्म करने के लिए। श्रद्धा, श्रद्धा, तुम्हारे दफ्तर से बार बार कॉल आ रहा है, चलो। हाँ बस 5 मिनट में ये सारा काम खत्म कर लेती हूँ। अरे नहीं नहीं श्रद्धा, नहीं नहीं नहीं, तुम जाओ बेटा, लेट हो जाओगे, जाओ। लेकिन मम्मी, और जाओ। मैं कर लूंगी, जाओ मम्मी। लेकिन आप प्लीज अपने सेहत का भी ध्यान रखिए। हाँ बाबा रखूंगी, अभी जाओ तुम, देर हो जाएगी, जाओ।
मम्मी पापा ने घर पे सालगिरह की पार्टी रखी है, तो हम सोच रहे थे ना, वरुण जी की मम्मी ने ये जो कीमती हार हमें दिया है ना, हम ये पहन के जाएं। वैसे दिखने में थोड़ा पुराना लग रहा है मुझे ये, और तुम्हारा तो अंदाज ही अलग है, शायद तुम पे उतना अच्छा ना लगे। अच्छा सुनो कीर्ति। हाँ? मैं ऑफिस के लिए निकल रहा हूँ। कैसे हैं वरुण जी आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बढ़िया एकदम। वरुण जी नाश्ता कर लिया? नाश्ता कीर्ति वैसे भी तुमने बाहर से मंगाया, तो मैं ऑफिस जाके कर लूंगा। अच्छा ये लो 60,000 रुपए रेंट के और 40,000 रुपए घर के खर्चे के लिए, ठीक है? ठीक है। देखो कीर्ति इसमें पूरे 1,00,000 रुपए, ध्यान से रखना। हाँ वरुण जी। बुआ जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कैसे हो? मैं अच्छा हूँ, आप बताओ। बस बढ़िया, ऑफिस जा रहे हो? हाँ। जा। और बुआ जी आज क्या खबर लेकर आई हैं आप? नहीं नहीं बेटा, हम कोई खबर नहीं लाए, वो तो हम यहाँ से गुजर रहे थे तो तुम्हारी बड़ी याद आ रही थी तो यहाँ आ गए। वैसे हमें ये पूछना था कि आज रात को तुम अपने मायके आ रही हो, हमारा मतलब है जा रही हो? क्यों, आपको कोई शक है कि हम अपने मम्मी पापा के सालगिरह में नहीं आएंगे? नहीं बेटा, हमें क्यों तुम पर शक होगा, हम तो बस तुम्हें आगाह करने आए थे कि वहाँ तुम्हारे प्यारे मम्मी पापा के अलावा अभय, श्रद्धा, भैया, भाभी और सबसे पसंदीदा हम ही वहीं मौजूद है। ओहो तुम्हें तो कुछ पता ही नहीं, चलो हम बता देते, कल ना हमारे यहाँ पर लाइट चली गई तो हम कुछ दिनों के लिए तुम्हारे मायके ही रुके हुए, कुछ दिन वहीं गुजारेंगे हम, तो आ रही हो ना तू? हमें तुम्हारा इंतजार रहेगा बेटा, आ जाना चलते। खबर ली भी ली और दी भी थी, अब जाकर तनुजा भाभी का हाल चाल जान लेते। यशवी जी अभी तक गरम पानी लेके काहे नहीं आई हैं? इतना वक्त थोड़ी लगता है पानी गरम करने में। तनुजा जी आप भी कमाल करती हैं, आप भी ला सकती थी ना। अरे अनुज जी ससुराल वालों के लिए सब कोई करता है, अगर अब आरती की शादी होती है तो हमको भी करना पड़ेगा ना। हाँ लेकिन। अरे लेकिन क्या, वो कोई एहसान ही कर रहे हम पे हमारी मदद करके। वैसे भी आप नहाने की तैयारी करिए, हम देख के आते हैं कि हो क्या रहा है। हाँ लीजिए आ गई यशवी जी। अरे हमको तो लग रहा था कि वो काम है इतनी व्यस्त। अरे ये तुम कहाँ उठाए हो? क्यों आपको नहाने के लिए गर्म पानी नहीं चाहिए? हे भगवान, बहू के मायके वाले अपने ही दामाद से बाल्टी उठवा रहे हैं? अरे उन्होंने भेजा ना तुम्हें, हम अभी उन्हें ठीक करके आते हैं। रुक। अरे मम्मी। तनुजा जी प्लीज रुके, जबरदस्ती मैंने उनसे काम लिया था, आप शांत हो जाइए, और पानी तो है। अरे क्या शांत हो जाइए, अगर हम तुम्हें जबरदस्ती कहें कि अपनी माँ पर उबलता हुआ पानी उड़ेल दो तो तुम कर दोगे क्या? बस करो यार। दामाद से लोग एक ग्लास पानी तक का नहीं उठवाते हैं। मम्मी बस करो अब, और तमाशा करने की जरूरत नहीं, नहाना नहाओ। नहीं नहाना नहीं, मैं जा रहा हूँ। हम ही नहा लेते हैं। तनु भाभी आज सुबह की ताजा ताजा खबर सुनिए, हम कीर्ति के यहाँ गए थे और हमने कीर्ति को बता दिया कि पूरा त्रिपाठी परिवार यहीं पर है उसके मायके, अब आप देखिएगा उसके बिल्कुल हिम्मत नहीं होगी यहाँ आने की।
अब हम ना बहुत थक गए, भूख लगी है हमें, हम ना जाकर रसोई घर में जरा चक्कर लगा कर आ जाइए जाइए। देखे तो सही आपकी समधन यशवी जी ने क्या क्या बनाया है नाश्ते में। हम अभी जाइए जाइए। हाँ जा रहे हैं हम। बेटी के ससुराल वाले आए हैं, यशवी जी ने बड़ी अच्छी तैयारी की होगी, देख। क्या कर रही हैं आप रितु? भाभी हम जो अभी अभी देखकर आ रहे हैं हम बता नहीं सकते, हमें बहुत बुरा लग रहा है। अरे भाई हुआ क्या है? आप एक काम कीजिए, आप हमारे साथ चलिए, खुद अपनी आंखों से देखिए इस माँ और बेटी की हरकतें। चलिए चलिए। अरे बेटा रहने दो, कोई देखेगा तो क्या सोचेगा, मैं अपने दामाद से काम करवा रही हूँ। जाओ आप आराम करो, मैं कर लूंगी। दामाद से काम करवा के पाप लगेगा हमें, छोड़ दो। लो एक तरफ आप बेटा बोल रही हैं और फिर दामाद बोल के खुद ही दूर कर रही हैं। आप ना डिसाइड कर लीजिए मैं आपका बेटा हूँ या दामाद, तब तक मैं केक बना लूं। वरुण तो सिर्फ उसकी बीवी के प्यार में पागल हो गया था, ये देखो अपनी बीवी के परिवार के पीछे पागल हो गया, अंधा हो गया। देख रही है यशवी जी अब सास नहीं, नई माँ बन गई है। समझ में आ रहा है कुछ आपको? समझ रही है आप? अरे अपनी सगी माँ को तो प्यार से दूर निभाले खिलाए नहीं जाते, और देखिए सास कम नई माँ के लिए केक बनाया जा रहा है। आपका बेटा ना आपके हाथ से चला गया है, वो यशवी जी उसकी नई माँ है, प्यार पट गया आपका, निकल गया भाई, देखो गया। अब है बेटा हम बहुत खुश नसीब हैं जो दामाद के रूप में तुम हमें मिले। किस्मत से टकराती उलझी लकीरों को सुलझाती, श्रद्धा की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।